बेटमा नगर में भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर यादव अहिर समाज द्वारा शुक्रवार सुबह नगर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर सहित आसपास के 10 गांवों से हजारों की संख्या में यादव समाज सहित अन्य समाज के महिला पुरुष सम्मिलित हुए। यात्रा के आयोजन का यह 17वां वर्ष था। वहीं इस अवसर पर नगर के मंदिरों को भी विशेष रूप से संगठित किया गया था, जहां जन्माष्टमी के अवसर पर मटकी फोड़ सहित विभिन्न आयोजन किए गए। जन्माष्टमी के एक दिन पूर्व स्कूलों में भी कई आयोजन हुए। नगर के अभिनंदन हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री कृष्ण जन्म उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने राधा कृष्ण की वेशभूषा पहनकर राधा कृष्ण का बड़ा ही सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। वहीं छात्र छात्राओं द्वारा मटकी साज सज्जा कर लाई गई और मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। नगर में जन्माष्टमी पर निकली शोभा यात्रा में ऊंट, घोड़े, बग्घी, झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा मंडी प्रांगण से प्रारंभ होकर राजबाड़ा होते हुए चौधरी समाज की धर्मशाला पहुंची, जिसमें भक्तों ने जमकर आनंद लिया। बेटमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में यादव समाज द्वारा आज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया था बेटमा नगर में, जिसमें सनातन समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, सभी समाजों ने भाग लिया और इसको दिव्य और भव्य रूप दिया। इसके लिए सभी समाजों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस शोभा यात्रा में गाँव की जो ग्रामीण आसपास के थे, हमारे सामाजिक यादव समाज के सभी बंधु पधारे, उसके साथ साथ में सभी सनातन समाज के सभी वर्ग आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटमा प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक अच्छी व्यवस्था यहाँ इस शोभा यात्रा को दी, और नगर पंचायत बेटमा का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने जल की व्यवस्थाएँ की थी। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में बेटमा नगर में समस्त यादव समाज द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसमें करीब 10 गाँव के यादव समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और उन गाँव के से लगे हुए गाँव के सभी दूसरे समाजजन भी हमारे साथ सहयोग करते हैं और सभी के सहयोग से ये शोभा यात्रा निकाली जाती है। करीब 15-16 वर्ष हो चुके हैं, कोरोना काल में ये 2 वर्ष रुक गई थी यात्रा, तो इस वर्ष फिर समाज के द्वारा शोभा यात्रा निकाली गई और मैं सभी गाँव के महिला पुरुष सब एकत्रित होकर इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।